हाय फ्रेंड्स, मैं 12th फ्लोर पर रहती हूँ, तो जब भी मुझे कहीं जाना हो तो मैं प्रायोरिटी स्टेयर्स को देती हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हेलो गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा सोनी फॉरेस्ट, और मैं हूँ सीमा आपके साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं प्रीशा की स्कूल। आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट टाइम हम लोग स्कूल जा रहे हैं, और हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए जा रहे हैं। वहाँ जाके हम इसकी मैडम से बात करेंगे और ऑनलाइन स्टडी को लेकर के कुछ कन्वर्सेशन करेंगे। तो वो सारी कन्वर्सेशन आप हमारे साथ बने रहिएगा अगर आपको सुननी है। तो फ्रेंड्स, चलें स्कूल। टाइम दिया है 9 to 2 o'clock का, और पेरेंट्स में से किसी एक को जाना है, तो मैं प्रीशा के साथ स्कूल जा रही हूँ। और देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं, तो प्रीशा भी बड़ी एक्साइट हो रही है स्कूल जाने के लिए, और देखते हैं पता नहीं किस लिए बुलाया, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ स्कूल। गाइस, पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में, पहले पेट्रोल डलाना पड़ेगा। आफ्टर लॉकडाउन तो बहुत ही कम गाड़ी चलाई है, और जब गाड़ी निकाली है तो इसमें पेट्रोल कम है, तो पहले गाड़ी में पेट्रोल डला लेते हैं, फिर जाएंगे स्कूल। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रीशा के स्कूल, और यहाँ हम लोग मैम से थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग अटेंड करने आए हैं, और जो भी प्रीशा को डाउट है वो अपनी डाउट क्लियर करेगी, क्योंकि 10th बोर्ड के एग्ज़ाम है और घर पे ऑनलाइन स्टडीज़ तो चल ही रही है, बट स्कूल तो स्कूल ही होता है, ऑनलाइन प्रॉपर मतलब बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो कुछ डाउट्स भी बच्चों को रहते हैं। और स्कूल्स ओपन नहीं हैं, बट आज थोड़ा मैम का मैसेज आया था कि जो बच्चे स्कूल आके मैम से मिलना चाहे तो वो मिल सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉकडाउन प्रीशा के स्कूल जा रहे हैं, और वहाँ कुछ मैम से बात करेंगे। तो हम पूछेंगे कि ऑनलाइन स्टडीज का मेंटल प्रेशर टीचर्स पे कितना है, बच्चों का, पेरेंट्स का, तो हम सबको पता है कि कितना है, बट टीचर्स का कोई नहीं जानता कि उनके ऊपर कितना मेंटली प्रेशर है, और बच्चे किस तरीके से सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारी बातें हम टीचर से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में ऐसे दिन भी आएंगे, बेचारे बच्चे स्कूल के लिए तरसेंगे। क्यों, प्रीशा याद आती है स्कूल की? बड़ी एक्साइट हो रही है स्कूल आने के लिए, और इसे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल के दर्शन तो हुए एटलीस्ट आफ्टर लॉकडाउन। तो चलते हैं स्कूल के अंदर। हम लोग आ चुके हैं प्रीशा के स्कूल, और यहाँ हम दिव्या मैम से कुछ बात करेंगे। तो मैम, ये जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज चल रही है, तो मतलब बच्चों का तो हमें पता है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल है, और आइस पे और सारा दिन मतलब लैपटॉप के आगे बैठे रहना और बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स को भी उतना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। पहले बच्चे स्कूल आते थे तो हम लोग टीचर भी डिपेंड थे, तब हमारा पता है कि हम लोग कितना स्ट्रेसफुल है, बट टीचर के लिए तो आप बता सकते हैं। तो मैम, आप बताइए। हाय एवरीबॉडी, actually no doubt that students are also facing problem and teachers bhi problem face kar rahi hai, on the other good also we have become so friendly to gadget or technology se itne zyada close ho gaye hain ki we have learned a lot, yeah. But naturally school is a place where the child can share with their friends, teacher personally they are there, they physical activities are there. Lots of pressure of teachers and students. And they are in the class, and direct interaction is naturally solve the problem much better. No doubt in the online classes also, teachers are trying to give their best, but still some of the students who are very attentive, it is good for them, but the students who are careless,
the teachers need to catch hold. It is very difficult for the teachers to catch hold in this situation. Yeah. Whether when we were in the classes, so it was very easy to control them because direct interaction was there. Here though, we cannot see what they are doing in their home, and the parents had to keep eye on their children. So no doubt, on one hand, if we can say that with this this disease which has spread and created a problem all over the world, we have to find this, and online classes are only the solution, because health is... But ma'am, फिर भी teachers का मतलब देख रहे हैं कि हम लोग teachers are 26 teachers are available है हमारे, because मुझे like अगर 10 o'clock भी child phone करके कहता है ma'am I am facing this problem, तो we have to be there. We cannot say कि हम phone नहीं उठा रहे हैं और we are not responding. Every time we have to solve the problem of the child, and especially for the board class students, we cannot neglect them. Board, जैसे परीक्षा का 10th board है, तो मैम आप board के लिए कुछ suggest कीजिए कि बच्चों को किस तरीके से study अपने prepare करने चाहिए, exam के लिए किस तरीके से अपने preparation करें, आप please suggest कीजिए बच्चों. Like students should, when we are on online classes, you have to be very attentive in the class. And if you are having any problem, so very patiently you should tell your teacher to solve it. And already I think that every school and every teachers are having their WhatsApp group. You can post your problem there, ki ma'am, I'm facing problem in this question. So whenever the teacher gets free, she's going to solve your problem. On the other hand, they are sending assignments. So you have to be... after attending your online classes, break is there, so in between of the break, you're not supposed to chat with your friends or seeing mobile, playing games or seeing YouTube. You should give rest to your eyes. That is the reason why the break have been given between every class. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की मेंटली, फिजिकली और आईज के लिए. यस, एंड आफ्टर द क्लासेस यू शुड गिव अ ब्रेक टू योर फोन एज वेल एज योर सेल्फ फॉर एटलीस्ट 2 hours. व्हाट्स द पॉइंट गाइस? हाँ, 2 hours. And when you are studying, you should not pick up, you should not open, you don't need to go for Google and all. You are having your material with you, you are having your NCERT books with you, you are having your notebooks, what the teachers are sending, you are doing the work, to go with your books and notebook. No need to again catch hold your mobile or laptop and again and making and fooling your parents ki hame to kuch dekhna hai, to hame Google mein dekh rahe hain. Online classes chal rahi hai, parents nahi dhyan de rahe, to wo log chatting mein lag jate hain. Bilkul chatting kar rahe hain bacche, bilkul chatting kar rahe hain. When your class is over, I don't think ki aapko fir apna mobile aur laptop uthane ki zarurat hai. आप अपने मटेरियल से पढ़िए, यू आर हैविंग द बुक्स. टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, प्लेइंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी दैट हैज ऑल कट फ्रॉम योर लाइफ, दैट हैज ऑल बीन डिलीटेड फ्रॉम योर लाइफ. यू आर नॉट गोइंग आउट, यू आर स्टक इन, आप जिसको कहते हो चार दीवारें में आप बिल्कुल बंद हो गए हो, तो दैट इज नेचुरली वेरी हार्मफुल. बट आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर योर ऑनलाइन क्लासेस, आई डोंट वॉन्ट दैट चिल्ड्रेन शुड पिक अप देयर फोन्स और लैपटॉप, दे शुड स्टिक टू देयर स्टडी मटीरियल, NCERT बुक्स एंड कॉपीज. सबसे ज़्यादा जो सफर कर रहे हो बोर्ड के बच्चे, 10th और 12th के बच्चे काफी सफर कर रहे हैं. बिल्कुल 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 बट वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज देर इज नो अदर ऑप्शन विद अस, है ना. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू सो मच. आपको भी काफ़ी नॉलेज मिली होगी, जो मैम ने कुछ सजेशन दिए है आई शुड करनी चाहिए वो सभी को. तो मैम थैंक यू. थैंक यू. काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा मैम के साथ, और बड़ी अच्छी नॉलेजेबल बातें की हमने. अब प्रीशा को तो स्कूल देख के खुशी हो रही है, इसके कोई फ्रेंड्स वगैरह तो आए नहीं है, वैसे भी सभी पेरेंट्स से आए थे. और क्या है प्रीशा के फ्रेंड कौन है? भूमिका. जल्दी से मिलने जाओ भूमिका से, प्रीशा की फ्रेंड आई है. तो गाइस बच्चे बेचारे
इनका कैसा सेशन रहा है पूरी साल का? अरे तो गाइस ये है प्रीशा की फ्रेंड और क्लासमेट भूमिका, 10th A में ही हो ना? यस, प्रीशा की क्लासमेट है ये। और इससे पूछते हैं कि बच्चे कितने मेंटल प्रेशर में आ रखे हैं बेचारे, 10th क्लास के बच्चे प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहे। तो बेटा बताओ कि ये 10th की जो आप बोर्ड का एग्ज़ाम है और आप घर पे स्टडी कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको ऑनलाइन स्टडी करके? ऑनलाइन स्टडी में तो इन्जॉय कर रहे हैं, पर फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो रहा है हमारी 10th क्लास के ऊपर। बिल्कुल, 10th क्लास को मतलब मेंटली कि हम कैसे करेंगे एग्ज़ाम, कैसे करेंगे, है ना? एग्ज़ाम की बहुत टेंशन है, टीचर्स का पूरा स्पोर्ट्स है, पर फिर भी हम भी टेंशन में ज़्यादा है। स्टडी अच्छी हो रही है, फिर भी जो स्कूल में होते हैं वो वाली बात नहीं है हमारी। सही, तो स्कूल को मिस करते हो? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं स्कूल को। और प्रीशा को मिस करते हो? प्रीशा को तो बहुत ही, बहुत ज़्यादा। ये स्कूल को तो सीरियसली घर पे ही, मतलब कि फ्रेंड्स से मिले हुए कितने दिन हो गए तुम लोगों को, है ना? तो फ्रेंड्स के साथ जब मिलके स्टडी करते थे, डिस्कशन करते थे, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है या ऑनलाइन चुपचाप अकेले बैठे स्टडी कर रहे हो? जो स्कूल में एंजॉय करते थे, स्कूल में बैठ के स्टडी करते थे, डिस्कशन करते थे सारे बैठ के, वो ही अच्छा था। तो वो दिन याद आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो विश करो कि जल्दी से कोरोना काल खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए, बस अपना स्कूल खुलाओ, है ना? यस, ओके, थैंक यू भूमिका। थैंक यू। प्रीशा की फ्रेंड इतने दिनों बाद मिली है और बड़ी एक्साइट हो रही है दोनों की दोनों। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो दोनों। अब बताओ फ्रेंड्स, आप बताओ कि ऐसी हालत में बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? ये तो फ्रेंड के पास आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और सब भूल जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को अभी स्कूल की परमिशन देनी चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग स्कूल जाके आ चुके हैं और बड़ा मजा आया स्कूल जाने में इतने दिनों बाद। लगभग 6 महीने हो गए ना प्रीशा? थक गए गाइस, हम तो थक गए। ओहो, थक गई प्रीशा तो। सोचो अगर सुबह से इसको स्कूल जाना होता, जब तक स्कूल से 3 बजे आती थी और सुबह 6 बजे की गए हुए बच्चे, 3 बजे आते थे जब नहीं थकते थे, और अब तो इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है ना, जरा से स्कूल जाने में थक जाते हैं। So guys, meet you again in the next video. Till then, keep smiling and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel and hit the bell icon also. Bye-bye.